हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर सलीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्दी हमेशा। दोस्तों, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है और आप उसे कम करना चाहते हैं तो सबसे अच्छी चीज़ और सबसे पहली चीज़ जो आप कर सकते हैं अपने लिए वो है अपनी डाइट को कंट्रोल करना या अपनी डाइट को मॉडिफाई करना। तो आज इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं, जहाँ मैं आपको बताऊँगा 10 ऐसी इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी फूड आइटम्स जो आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली चीज जो आपको अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने के लिए वो है ओट्स। ओट्स के अंदर सॉल्युबल फाइबर पाया जाता है, जो कि आपकी इंटेस्टाइन से जो एक्सेस फैट है जो हम लोग खाते हैं या जो एक्सेस शुगर हम लोग खाते हैं उसको एब्जॉर्ब होने से रोकता है। इसकी वजह से क्या होता है, हमारी ब्लड से जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ जाता है, एचडीएल यानी जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो बढ़ जाता है और जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है यानी एलडीएल होता है वो कम हो जाता है। तो ओवरऑल हमारे कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल को मेंटेन करने में ओट्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। इसलिए सबसे पहली चीज़ जो आपको अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए वो है ओट्स। ओट्स की ही तरह दूसरी चीज़ जो आपको मैं सजेस्ट करूँगा वो है बार्ले। बार्ले यानी जौ, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में। जौ भी जो है वो एक होल ग्रेन है जिसको आपको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। वैसे तो जितने भी होल ग्रेन्स होते हैं सभी बहुत ही अच्छा सोर्स हैं सॉल्युबल फाइबर का, और ये सभी होल ग्रेन्स आपकी हेल्थ के लिए अच्छे हैं, आपके हार्ट को हेल्दी बनाने के लिए अच्छे हैं और कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए भी अच्छे हैं। बट स्पेशली जहाँ बात आती है जौ की, तो ये स्पेसिफिकली और साइंटिफिकली भी प्रूवन है और इस पर बहुत सारी रिसर्च भी हो चुकी है जिससे ये बात सामने आई है कि जौ स्पेसिफिकली आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो बार्ले को भी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं यानी जौ को। और इसका एक बहुत ही ईजी सा तरीका भी है, हमारे इंडिया में एक चीज़ मिलती है स्पेसिफिकली नॉर्थ इंडिया में अगर आप देखें, जिसको बोलते हैं सत्तू। और ये सत्तू जो होता है एक तरह का ड्रिंक होता है जिसके अंदर कई बार चने के पाउडर से बनता है और कई बार ये जौ के पाउडर से बनता है। तो अगर आप जौ का सत्तू ले लेते हैं और उसको पीते हैं रोज़ाना, तो आपकी सेहत के लिए स्पेसिफिकली आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। तीसरी चीज़ जो आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं वो है दालें या बीन्स। दालें और बीन्स जो होती हैं ये भी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। दाल और बीन्स के अंदर भी सॉल्युबल फाइबर बहुत ज़्यादा होता है और ये दोनों ही चीज़ें जो होती हैं ना बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग होती हैं। फुलफिलिंग का मतलब ये है कि जब आप दाल या कोई बीन्स मान लीजिए राजमा वगैरह खाते हैं तो उससे आपका पेट काफ़ी देर तक भरा भरा रहता है और आपको भूख का एहसास बार बार नहीं होता, जल्दी भूख नहीं लगती। इस वजह से जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है और आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए भी ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही बढ़िया है। दालें आप डिफरेंट तरह की ले सकते हैं, मूंग की दाल ले सकते हैं, मसूर की दाल ले सकते हैं, अरहर की दाल ले सकते हैं, उड़द की दाल ले सकते हैं, और इसके अलावा चने वगैरह भी आप ले सकते हैं, काबली चने या काले चने, ये भी बहुत अच्छे होते हैं आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने के लिए। चौथी चीज़ जो आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने के लिए वो है नट्स। नट्स से मेरी मुराद है स्पेसिफिकली बादाम, अखरोट और चिलगोज़ा और पिस्ता। ये चारों चीज़ें जो होती हैं आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। ये आपके एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती हैं। बहुत से लोग इस डर में इन चीज़ों को नहीं खाते कि इन्हें खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, लेकिन अगर रिसर्च की माने तो एक दिन में 50 ग्राम तक नट्स खाने से आपको कोई भी नुकसान नहीं होता है। इनफैक्ट ये जो नट्स होते हैं इनके अंदर कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके हार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती हैं, और आपको बाकी भी बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन इन चीज़ों से मिलते हैं जो आपकी ओवरऑल हेल्थ को भी फ्लरिश करते हैं या नरिश करते हैं। तो आइंदा से नट्स को लेने में बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं और आराम से इन नट्स को आप डेली अपनी डाइट में ले सकते हैं और आपका कोलेस्ट्रॉल भी इससे काफ़ी हद तक सही रहेगा। पांचवा नंबर आता है वेजिटेबल ऑयल्स का। तो आप अपनी डाइट में वेजिटेबल ऑयल्स को शामिल करिए और घी या मक्खन या इस तरह के दूसरे सैचुरेटेड फैट्स जो हैं उनको अपनी डाइट से हटा दीजिए। वेजिटेबल ऑयल्स में भी स्पेसिफिकली जो कैनोला ऑयल है या सनफ्लावर ऑयल है या फिर तिल का तेल है या ऑलिव ऑयल है, ये आपकी हार्ट हेल्थ के लिए स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं और इनको खाने से आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम होता है यानी जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो कम होता है और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे हैं।
लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब मैं कहता हूँ आपको अपनी डाइट में वेजिटेबल ऑयल्स से शामिल करने हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको खूब सारा वेजिटेबल ऑयल खाना है। मेरा कहने का मकसद ये है कि आप अपनी डाइट में जो फैट यूज़ कर रहे हैं, जाहिर सी बात है हम इंडिया में रहते हैं और हमारे जो खान पान है उसमें फ़ैट्स का या ऑयल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट मकाम है, उसके बिना हमारे खाने बन ही नहीं सकते। तो जो चीज़ें हम खाना बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं उसमें इस ऑयल्स को आपको ऐड करना है, लेकिन वो भी बहुत कम क्वांटिटी में। बहुत सारे लोग इस चीज़ को मिसइंटरप्रेट करते हैं कि मैं बोल रहा हूँ कि आपको ऑलिव ऑयल बहुत ज़्यादा खाना है, आपके लिए अच्छा है। नो डाउट कि आपके लिए अच्छा है, लेकिन कम क्वांटिटी में। तो इसलिए आगे से जब भी मैं कभी आपसे कहूँ कि अपनी डाइट में वेजिटेबल ऑयल्स को ऐड करिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि खूब सारा ऐड करिए, थोड़ा थोड़ा ऐड करिए और सैचुरेटेड फैट की जगह उसको अपनाइए। ये मेरे कहने का मकसद है। छठी चीज़ जो आपको अपनी डाइट में शामिल करनी है वो है फ्रूट्स। फ्रूट्स के बारे में मैं पहले भी कई बार बात कर चुका हूँ वीडियोस में और आपको बता चुका हूँ कि फ्रूट्स लेने से आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है और ट्राइग्लिसराइड लेवल है ये कम होता है। लेकिन उसमें भी कई लोग मेरे से कमेंट में बार बार पूछते हैं कि डॉक्टर साहब स्पेसिफिकली बताइए कौन से फ्रूट्स हमको लेने चाहिए। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ चार ऐसे तरह के फ्रूट्स जो आपके लिए बेस्ट हैं अगर आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करना चाहते हैं। तो पहली चीज़ है एप्पल, दूसरी चीज़ है ग्रेप्स, तीसरी चीज़ है स्ट्रॉबेरीज और पांचवी चीज़ है सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट्स का मतलब है कि मौसमी या संतरा आप अपनी डाइट में ले सकते हैं। ये जितने भी फ्रूट्स मैंने आपको बताए इनके अंदर एक चीज़ होती है पेक्टिन, जो कि एक तरह का सॉल्युबल फाइबर है और ये इन फ्रूट्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है, स्पेसिफिकली इन चार फ्रूट्स के अंदर। तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में काफ़ी मदद करता है। तो अगर आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन रखना चाहते हैं तो इन चारों फ्रूट्स को, वैसे तो कोई भी फ्रूट आप ले सकते हैं लेकिन स्पेसिफिकली ये चारों फ्रूट्स आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। सोयाबीन भी बहुत अच्छी चीज़ है आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने के लिए, और ना सिर्फ सोयाबीन बल्कि सोयाबीन से बनी हुई जो बाकी चीज़ें होती हैं, जैसे आजकल मार्केट में आपने देखा होगा टोफू मिल रहा है या सोया मिल्क मिल रहा है, ये भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने के लिए। तो आप अपनी डेली लाइफ में और अपनी डेली रूटीन में और अपनी डाइट चार्ट में सोयाबीन को भी ज़रूर जगह दीजिए अगर अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल आप कम करना चाहते हैं तो, क्योंकि ये भी बहुत ही हेल्पफुल है और साइंटिफिकली प्रूवन भी है। नवी चीज़ जो आपको अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए वो है फैटी फिश। फैटी फिश के बारे में मैं पहले भी बहुत वीडियोस में आपको डिटेल में बता चुका हूँ कि इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं और ये आपकी हार्ट हेल्थ के लिए और कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। और रिसर्च से भी ये बात साबित हो चुकी है कि अगर आप एक हफ्ते में कम से कम 2 बार फैटी फिश खाते हैं तो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है और आपके कोलेस्ट्रॉल को भी ये कम करती है, आपके LDL को कम करेगी और आपके HDL को बढ़ाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 10वां नंबर आता है सप्लीमेंट्स का। सप्लीमेंट्स ऐसे सप्लीमेंट्स जो कि होते हैं फाइबर रिच। इसमें एक स्पेसिफिकली मैं आपको आसान सा नुस्खा बताना चाहूँगा, एक चीज़ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं इसबगोल की भूसी, उसको आप ले सकते हैं। साबुत इसबगोल भी ले सकते हैं, उसको भी आप पानी में घोल के या दूध में घोल के ले सकते हैं, उसके अंदर ही बहुत ज़्यादा सॉल्युबल फाइबर होता है। और अगर आपको साबुत इसबगोल नहीं मिल पा रहा है या आपको वो पसंद नहीं है तो आप सीधा सीधा इसबगोल की भूसी भी ले सकते हैं, वो भी फाइबर का एक बहुत ही बढ़िया सोर्स है। लेकिन ये लास्ट में मैंने इसलिए रखा है क्योंकि सप्लीमेंट है, तो बेटर ये है कि जो डेली रूटीन में हम लोग चीज़ें खाते हैं उनको आप लीजिए ताकि अच्छे से आप खा भी सकें, आपको मज़ा भी आए, टेस्ट भी आए और आपको उसको अपनी डेली रूटीन में मतलब यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं आए। सप्लीमेंट्स में क्या होता है, कई बार आप जब उसका रेगुलर यूज़ करते हैं तो उसका थोड़ा सा ऊब जाते हैं या उससे बोर हो जाते हैं, तो फिर भी अगर आप और चीज़ें नहीं ले पा रहे हैं तो आप किसी सप्लीमेंट के थ्रू अपनी इस कमी को पूरा कर सकते हैं। स्पेसिफिकली आप इसबगोल की भूसी या इसबगोल साबुत भी ले सकते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपने जाना 10 ऐसे फूड आइटम्स के बारे में जो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने में मददगार होते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आज आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ भी अच्छा सिखाया या आपको इससे कुछ भी फ़ायदा हुआ तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में भी हम इस तरह की बहुत सारी और भी वीडियोज़ बनाएंगे तो उनसे आप कहीं वंचित ना रह जाएँ और वो आपको टाइमली देखने को मिल जाए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक भी करिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए इस तरह की हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, टाइम भी निकालना पड़ता है, और आप लोगों को अगर पसंद आ रही हैं तो हमारे लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है और काफ़ी मोटिवेशन हमें इससे मिलता है। लेकिन हमें पता कैसे लगेगा कि आपको वीडियो पसंद आ रही है जब तक आप उसको लाइक नहीं करेंगे। तो प्लीज़ हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और तभी यहाँ से जाइएगा। और मुझे दीजिए फिलहाल इजाज़त, मैं आपसे विदा लेता हूँ इस वादे के साथ कि फिर मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक बहुत ही अच्छे नए इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए।
टाटा बाय बाय एंड स्टे हेल्दी हमेशा।